वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आ गए हैं बैंकॉक के एक टैटू स्टूडियो में एंड हम कराना है टैटू। रविना को एक नया टैटू बनवाना था बॉडी पे, तो सोचा कि अब जाने से पहले एक टैटू ही कराते हुए जाएं। क्यों रविना? बट रविना अभी पेन में है क्योंकि टैटू ने बहुत ही पेन दिया है आउटलाइन ने सिर्फ। मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ की शॉप, बहुत ही अच्छी शॉप है एंड टैटू आर्टिस्ट कितना 15 साल का एक्सपीरियंस है उसमें, 15 साल का एक्सपीरियंस है। रविना यहाँ लेडी है, ये दर्द अच्छा है। विक्टोरी टैटू स्टूडियो काफ़ी अच्छा है, प्राइस भी अच्छे है। ये तो मैं हूँ सामने, ये रही रविना। मैं टैटू दिखाता हूँ, टैटू की आउटलाइन ही दिखाता हूँ अभी जो बना है। बहुत ही बढ़िया लग रहा है, पहला रहने का पहला इतना बड़ा टैटू है बॉडी पे। इससे पहले सारे नाम है, बाकी साइन है, बट ये वाला जो है ये पहला ऐसा टैटू है जो कुछ नाम है कुछ गलतियां है। मेरा भी नाम होगा ना, मेरा नाम वीरा, मेरा नाम इधर भी है, मेरा नाम यहाँ भी है, नाम नहीं है डेट ऑफ बर्थ है मेरी। मैं कह रहा हूँ ये वाले सारे निकलवा दो, एक रहने दो बॉडी पे। ये वाला भी टैटू, ये हमने इंडिया में बनवाया था। एलियन जैसी फीलिंग आ रही है। क्यों? ब्लॉग बना रहा है तो मेरे को व्लॉग बनाना नहीं अच्छे लगते, पर फिर भी मैं बनाता हूँ। आगे मैं आपको दिखाऊंगा जब व्लॉग कंप्लीट, व्लॉग नहीं जब टैटू कंप्लीट हो जाएगा, मैं दिखाऊंगा कि कैसा टैटू है। सो फार इट्स गोइंग गुड एंड अभी हम बैठ के थोड़ा वेट कर रहे हैं। टैटू आर्टिस्ट जो है ब्रेक पे गया 5 मिनट के, अब 5 मिनट बाद अभी कितना 40 मिनट से बना रहे हैं, 40 मिनट में आउटलाइन बनी है। अब स्टार्ट करेंगे कलरिंग, उसमें आई गेस टाइम लगेगा, 2 घंटे तो लग ही जाएंगे। बटरफ्लाई वैसे अच्छा तो लगता है, बटरफ्लाई मैं आपके हाथ पे रिकमेंड करूँगा, हाथ पे आप बटरफ्लाई करा। कहाँ पे? अच्छा लगेगा। हाँ मैं आपको हमारे टैटू आर्टिस्ट को दिखाता हूँ, ये रहे टैटू आर्टिस्ट। इन्होंने अपने कान देखो ना कितने बड़े लाइक छिदा रखे हैं, छिदा रखे क्या बोलते हैं, स्ट्रेच करा के रिंग डाल रखा है अंदर, बहुत ही बढ़िया है। वो मालिक है आई गेस, सो पैसे उन्हीं को दिए थे। एंड इसके बाद हम जाएंगे खाने के लिए, कल हमने ना मस्त बिरयानी खाई एक मिडिल ईस्टर्न रेस्टोरेंट की। चिकन बिरयानी नहीं थी, क्या था रहे ना? मांडी करके कोई है, वो बिरयानी जैसी होती है बट बिरयानी से लाख गुना अच्छी। मैं इस बार आपको वीडियो में ज़रूर से दिखाऊंगा, जब हम जाएंगे लेके आएंगे तब मैं आपको दिखाता हूँ। अभी इन्होंने कलर की शेडिंग स्टार्ट की है, ब्लैक कलर से शेडिंग कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कितना अच्छा पैन है इनका। मैंने जो इंडिया में कराया है वो नॉर्मल क्या बोलते हो मशीन होती है गन जैसी, बट आजकल ये पैन स्टार्ट हो गया है, मस्त लग रहा है। I know you hate this but it's okay. Wow. Guys 3 घंटे पास हो चुके हैं और यहाँ रविना की हालत खस्ता हो जा रही है। टैटू अच्छा खासा कंप्लीट हो गया है, मैं दिखाता हूँ। शेडिंग चल रही है अभी, नीचे का अभी बाकी है, बाकी बीच वाला फ्लावर कंप्लीट हो गया है। टैटू बहुत ही सेक्सी लग रहा है और रविना की स्किन पे तो और ज़्यादा खिलके निकल गया है। वाह, अभी आई गेस 1-1.5 घंटा और लगेगा कंप्लीट होने में। देख सकते हैं आप कितने कलर, कितना तामझाम यूज़ होता है और कितना पेन होता है।
बाय। सॉरी मेरे को वॉइस ओवर देना पड़ेगा यहाँ पे, पीछे बहुत जोरों का म्यूज़िक चल रहा था, मैं नहीं चाहता कि कॉपीराइट आए, इसलिए मैं आपको बताता हूँ। ये फाइनल स्टेज चल रही थी टैटू की, जिसमें वाइट कलर से आउटलाइन किया जा रहा था और ये बहुत ही पेनफुल था। फाइनली आखिर में टैटू कंप्लीट हो गया एंड टैटू बहुत ही सुंदर लग रहा था। वहाँ के जो स्टाफ थे उनको भी बहुत पसंद आया टैटू। एक्चुअली ये टैटू रवीना ने पसंद किया था कि मेरे को ऐसा ही बनवाना है एंड दिस द टैटू। Guys, thank you so much for watching our video. Thank you.